जय सिया राम गाइज, वेलकम टू डे 38 ऑफ 45 स्टडी हार्ड चैलेंज। तो आज के दिन की शुरुआत हुई टेस्टी टेस्टी दाल वाले परांठे विद मक्खन और एक चाय के कप के साथ। और आज बाहर हो रही थी बहुत ही ज़्यादा धुंध, कुछ भी चमक नहीं रहा था बाहर का, बहुत ही ज़्यादा ठंड। फिर खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने इंग्लिश में पढ़ी एक घंटा वो कैब, फिर उसके बाद मैंने देखा एक एडिटोरियल का लेक्चर, और एडिटोरियल का लेक्चर देखने के बाद मैंने एक इंग्लिश की मॉक वीडियो देखी। फिर उसके बाद मैं चली गई थोड़ी देर बाहर, मेरी माँ जी ने आग जला रखी थी। फिर मैंने थोड़े अपने हाथ सेक किए और हाथ सेकते सेकते साथ में मैंने खाई मूँगफलियाँ। फिर मैंने दिया फर्स्ट मॉक। फर्स्ट मॉक में मेरा स्कोर था 56, रीजनिंग में था 32.75, क्वांट में था 18.75 और इंग्लिश में था ओनली 5। फिर मैंने सेकेंड मॉक दिया, सेकेंड मॉक में मेरा स्कोर था 68.25, रीजनिंग में 33.75, क्वांट में 28 और इंग्लिश में फिर से कम 6.5। फिर मैंने की मॉक की एनालिसिस और दोनों मॉक का स्कोर मैंने नोट कर लिया और एनालिसिस के घंटे भी मार्क कर दिए। आजा। सो गाइज, मैं आई हुई थी इवनिंग वॉक पे, इवनिंग वॉक हो गया है, अभी मैं जाने लग रही हूँ वापस घर। और मेरे को कुछ कहना था, तो क्या कहना है, कल नहीं, आज जिस टाइम आप वीडियो देख रहे होगे उस दिन होगा नया साल। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप लोगों के लिए मैंने बनाया है बुके, एक एक पत्ता ले लियो सारे जने। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी मैं जा रही हूँ घर और ठंड ने तो भाई रोगे काट दिए। पहले तो ही नहीं रही थी, राम तो रोज धूप से निकल जाती, हम भी राम तो धूप में बैठ जाते, इब तो कोई धूप वूप नहीं निकल रही है, धूंध ही धूंध। 15 दिन ऐसे ही रहेंगे, 15 दिन कोई धूप नहीं निकलने वाली है। पिछली बार मैंने नोटिस करा था, पिछली बार 26 तो आया था ऐसा कि धूप नहीं निकली थी, जहाँ उस टाइम जहाँ मैं रहूँ थी वहाँ 26 ने निकली, बंद हो गई थी। एक ही बार 28 से 29, 30, आज तीसरा दिन, कल निकली थी, थोड़ी सी निकली थी। हैप्पी न्यू ईयर जाली भाई। थैंक यू, अभी तो न्यू ईयर आया ही नहीं, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर ही होगा। स्टडी टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पढ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक, जिसमें मैंने पढ़ा वी स्पॉइल ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप बाय लूजिंग अवर टेंपर वंस, वी डैमेज अवर रेपुटेशन एट द वर्क प्लेस बाय वेंटिंग अवर फ्रस्ट्रेशन वंस, जस्ट वन एपिसोड ऑफ एंगर ऑफन मेक्स अस पे अ हैवी प्राइस, ऑल्दो अवर एंग्री रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन दैट हैज एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग टाइम।